बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। पॉड टू प्लेट में खुशामदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे। जो लोग चटपटा और स्पाइसी खाना पसंद करते हैं वो खुश हो जाएं, क्योंकि पॉड टू प्लेट में आज जो रेसिपी आई है वो है स्वीट एंड स्पाइसी कोरियन चिकन। बहुत ही मज़े की रेसिपी है। रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे बोनलेस चिकन और इसको हम छोटे छोटे पीसेस में जो है वो कट कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक, तकरीबन 1 टीस्पून इसमें नमक डाला है। इसके बाद हम डालेंगे इसमें ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च, वो 1/2 टीस्पून हम डालेंगे। फिर थोड़े से चिली फ्लेक्स डालेंगे यानी कि कूटी हुई लाल मिर्च। उसके बाद हम इसमें विनेगर डालेंगे 1/2 टीस्पून, सोया सॉस 1 टीस्पून, और फिर हम इसमें डालेंगे हॉट सॉस 1 टीस्पून। इसके बाद आप इसमें कॉर्नफ्लोर डालेंगे। कॉर्नफ्लोर थोड़ा हम इसमें ज़्यादा डालेंगे कि अच्छे से इसकी कोटिंग हो जाए, तो 5 to 6 टेबल स्पून जो होंगे वो इनफ होंगे। और इसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद आप इसको जो है वो फ़ौरन से फ्राई करेंगे। इसको मैरिनेशन पे नहीं रखना। बहुत ही क्विक रेसिपी है, बहुत ही मज़े की रेसिपी है। आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, यकीनन आप बहुत पसंद करेंगे इसको। इसके बाद हम लेंगे एक पैन, इसमें हम ऑयल डाल लेंगे और जो चिकन के पीसेस हैं उनको एक एक करके अलग अलग, सारे एकदम से इकट्ठे नहीं डालने, एक एक करके चिकन पीसेस जो हैं उसको हम रखेंगे और इनको लाइट गोल्डन सा जो है वो अच्छे से फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि मैं एक एक पीस करके इसमें डाल रही हूँ ताकि ये जो है वो आपस में, क्योंकि इसमें कॉर्नफ्लोर डाला हुआ है तो वो थोड़ा सा स्टिकी और जूसी बन जाता है, वो चिपक जाती हैं चीज़ें। अगर आप एक साथ डालेंगे तो चिकन जो है वो चिपक जाएगा। हमने ऐसा नहीं करना, हमें एक एक पीस अलग चाहिए, इसलिए हम एक एक पीस को जो है वो डालकर फ्राई करेंगे। जब ये लाइट गोल्डन कलर का चिकन हो जाएगा तो हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। चिकन तो यहाँ पे हो चुका है, इसको हमने प्लेट पे भी निकाल लिया है। अब हम बनाएंगे स्वीट एंड स्पाइसी सॉस। तो उसके लिए सबसे पहले हम लेंगे हॉट सॉस 2 टेबल स्पून, विनेगर 2 टेबल स्पून, सोया सॉस थोड़ा हम ज़्यादा यूज़ करेंगे इसलिए हम ये लेंगे 3 to 4 टेबल स्पून। उसके बाद हम थोड़ा सा इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे। इसके बाद हम इसमें चिली फ्लेक्स यूज़ कर रहे हैं ऑलमोस्ट 1 टेबल स्पून। थोड़ा सा इसमें डाला है हमने ब्लैक पेपर, इसको अच्छे से मिक्स किया है। और अब हम इसमें शामिल करेंगे शुगर 4 टेबल स्पून। अगर आप चाहें तो आप इसमें हनी भी ऐड कर सकते हैं, वो भी आप 4 टेबल स्पून लेंगे। मैंने इसमें शुगर ऐड की है, इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसके बाद हम एक पैन में ले रहे हैं 2 टेबल स्पून ऑयल और इसमें हम चॉप्ड गार्लिक ऐड करेंगे। गार्लिक भी जो है वो ऑलमोस्ट 2 टेबल स्पून है। इसको हम थोड़ा सा गोल्डन कर लेंगे, ज़्यादा गोल्डन नहीं करना इसको।
उसके बाद जो है वो इसमें जो हमने स्वीट एंड स्पाइसी सॉस बनाई थी वो शामिल कर देंगे। थोड़ी सी कैप्सिकम है, कैप्सिकम ऑप्शनल है, आप ऐड करना चाहें तो ऐड करें, नहीं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। और उसके बाद जो चिकन फ्राई करके रखा हुआ था हमने पहले से, वो हमने इसमें शामिल किया है। और इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए कुक करेंगे। बहुत ही मज़े की रेसिपी है, आप इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करिएगा। स्वीट सी और स्पाइसी सी रेसिपी है ये। इसको राइस के साथ हम जो है वो इसको सर्विंग करेंगे। आगे हम आपको राइस की भी रेसिपी देंगे, आप उसको भी ज़रूर देखिएगा। चिकन बिल्कुल रेडी है, इतना ही हमने इसको कुक करना है। इसके बाद हम बनाने जा रहे हैं राइस। तो राइस के लिए हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून बटर। बटर को मेल्ट होने देंगे, जब ये अच्छे से मेल्ट हो जाएगा तो हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून के करीब चॉप्ड गार्लिक। गार्लिक को जो है वो लाइट गोल्डन करना है। और उसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे कुछ वेजेस, जिसमें मैंने ली हैं कैरेट्स और कैप्सिकम्स। इनको भी हम 1 मिनट के लिए पकाएंगे। और उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा सॉल्ट, ब्लैक पेपर, विनेगर, सोया सॉस, हॉट सॉस, ये सब चीज़ें हम डालेंगे और इसको मज़ीद 1 मिनट के लिए कुक करेंगे। और बॉयल चावल, जो प्लेन बॉयल वाइट चावल होते हैं, वो हम इसमें शामिल करेंगे और फिर मज़ीद 1 मिनट के लिए हम इसको कुक करेंगे। तो टोटल 3 से 4 मिनट लगेंगे राइस की जो है वो प्रिपरेशन में, अगर आपने बॉयल चावल पहले से लिए हैं तो। बिल्कुल 3 से 4 मिनट में हमारे राइस जो है वो बिल्कुल रेडी थे। इसके बाद जो है वो हम इसको सर्विंग करेंगे। तो एक साइड पे हम राइस ले लेंगे और दूसरी साइड पे हम चिकन को शामिल करेंगे। ये थी हमारी आज की रेसिपी, स्वीट एंड स्पाइसी कोरियन चिकन विद राइस। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आती है तो इसको लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करें। वीडियो को यहाँ तक देखने का बहुत शुक्रिया, चैनल को सब्सक्राइब करने का बहुत शुक्रिया, वीडियो को लाइक करने का बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम किसी नई और एक्साइटिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।